जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पौड़िया डीलाही हनुमान नगर दरभंगा का भव्य उद्घाटन। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के दरभंगा शाखा का भव्य शुभारंभ न्यायमूर्ति दीपक कुमार एवं न्यायमूर्ति जावेद आलम के गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन एवं शहर के जाने माने प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार एवं जीडी गोयनका के दिल्ली शाखा एवं वर्तमान में दरभंगा शाखा के प्राचार्य डॉक्टर रोशनी डिसूजा ने गणमान्य लोगों का स्वागत किया। न्यायमूर्ति दीपक कुमार ने उक्त मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि मिथिलांचल के लोगों के लिए यह वाकई सौभाग्यशाली दिन है कि इस पावन धरती पर गोयनका ग्रुप के द्वारा डॉक्टर मनोज कुमार के प्रयास से सर्वोत्तम एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी। यहाँ के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरे भारत से सुयोग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध होंगे। निश्चित है यह विद्यालय शिक्षा के आयाम स्थापित करेगा। उनके शब्दों में एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट एंड जीडी गोयनका इज द राइट प्लेस टू गेट ए बेटर रिटर्न इन फ्यूचर। इस मौके पर चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि मिथिलांचल के लोगों के लिए कम खर्च पर उत्तम शिक्षा का प्रसार करना है इस संस्था का एकमात्र उद्देश्य है। 17 एकड़ में फैले इस विद्यालय में सभी आधुनिक तकनीक की सुविधा उपलब्ध होंगे। विद्यालय जीडी गोयनका के पूरे भारत में फैले स्कूलों में यह सबसे प्रिय स्कूल होगा। फिलहाल यहां नर्सरी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं ही संचालित होगी, जिसका नामांकन 7 दिसंबर 2021 से विधिवत शुरू होगा। यहां नामांकन शुल्क भारत वर्ष एवं दरभंगा के सर्वोत्तम विद्यालय से बिल्कुल कम होगा। यहां सर्वोत्तम शिक्षा के साथ साथ बच्चों के लिए विशाल प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, म्यूजिक, डांस तक की कक्षाएं उपलब्ध होगी। जीडी गोयनका ग्रुप के इस भव्य विद्यालय में बोटनिकल गार्डन का भी व्यवस्था की गई है। इसको लेकर यहाँ के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो दरभंगा के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है आज का दिन जो है सो, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में कहीं ना कहीं हम लोग चूंकि पब्लिक सेक्टर से इस चीज को फील करते हैं कि बहुत सारी कमियां हैं अभी यहाँ पे एजुकेशन लाइन में, और कोई भी अच्छा बहुत अच्छा स्कूल जो है यहाँ अवेलेबल नहीं है। जहाँ तक जीडी गोयनका की बात है तो ये हम लोग के लिए भी एक सौभाग्य होगा अगर हम लोग का बच्चा यहाँ पढ़ पाया तो। और निश्चित रूप से जैसा कि बताया गया कि बिल्कुल बैगलेस स्कूल है, आज देखिए जहाँ भी जाइए जितने बड़े बच्चे ने उससे ज्यादा बड़ा उसका बक्सा है और बैग्स हैं, वो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पढ़ाई के नीचे दबे हुए। मेरा जीडी गोयनका लाने का पर्पस यही है कि यहाँ के सारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट के बाहर स्टेट्स के बाहर बाहर जाते हैं, जितने जो बच्चे बाहर पढ़ाने अच्छे पढ़ना चाहते हैं तो बाहर भेजते हैं। बस हम वही बाहर के स्कूल को, बाहर के पैटर्न को हमने यहाँ पर डाल दिया है और ये कम फीस में। जीडी गोयनका कहने के लिए पूरा एसी बस है, एसी स्कूल है, लेकिन हम वो फी स्ट्रक्चर सबों के एक मिसकंसेप्शन है कि 10,000-12,000 फीस हो गए, वो फीस हम सब्सक्राइब करके 4,000-5,000 रुपया में हम बच्चे को यहाँ पर एजुकेशन देंगे, एक हाई क्वालिटी का एजुकेशन जो बच्चे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में जाके स्टडी करते हैं वो हम दरभंगा में वो स्थापित करते रहे कम खर्च में, जो कि जो यहाँ के लोकल स्कूल जो हैं उस स्कूल के इक्विवेलेंट हम फी लेके वो बाहर की पढ़ाई यहाँ पर अवेलेबल करा। सर, दरभंगा समस्तीपुर स्टेट हाईवे पर आपने इसको खोला है, सर उसका क्या पर्पस है? शहर में आपने नहीं खोला है? शहर में चूंकि ये 17 एकड़ की बच्चे को पढ़ने की सिर्फ पढ़ाई की जरूरत नहीं है, उसके साथ खेल कूद एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे सर बोले हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग पूल, प्ले, सारे क्रिकेट, बैडमिंटन, आज के अभी के स्कूल में किसी में इस ढंग की नई इंफ्रास्ट्रक्चर, डांसिंग, म्यूजिक सारे हम दे दें। चूंकि एक शहर में इतनी बड़ी जगह नहीं मिलती, एक बहुत बड़ा जगह दे के अब बच्चे को मैंने 10 एकड़ में सिर्फ प्ले ग्राउंड दिया है। कल एक बैठे हैं दीपक कुमार जी जो बताए कि ये दरभंगा वासियों के लिए सही में सर्वोत्तम बहुत ही अच्छा समय है जो जीडी गोयनका जैसा स्कूल दरभंगा में खुला जा रहा है। इसके जो बहुत ही कम ब्रांचेज हैं बिहार में, और वाकई जिस तरह से हम लोग अभी देखे हैं कि बैगलेस है, ज़्यादा बैग नहीं है, तो जिस तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बैग जो इतना भारी हो जाता है और वो इस मैंने पढ़ाई लिखाई को एकदम बोझ समझने लगते हैं, तो उसे ये मुक्ति दिलाएगा और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है और सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों के लिए जो कमी महसूस की जा रही थी दरभंगा में, हमको ऐसा लगता है कि वो पूरा होगा। सर, दरभंगा में जिस तरह से आपने विधिक जागरूकता शिविर को बहुत बारीकी से आपने शहर में रखा और गांव-गांव तक पहुंचाया, तो क्या उसको अब स्कूल सब में भी इम्प्रूव किया जाएगा, नए नए स्कूल जो खुल रहे हैं या उसमें भी पार्ट किया जाएगा इसको? हाँ, देखिए बच्चे जो होते हैं कल के भविष्य हैं, उन्हीं को सारा बागडोरा आने वाले समय में संभालना है, तो सारा डिपेंड करता है ये किस प्रकार हम अपने बच्चों को गुणवत्ता की शिक्षा दी जाए। तो उसमें जीडी गोयनका जैसा स्कूल है उसकी भी काफ़ी महत्ता है और भी स्कूलों की महत्ता है,
तो हमने अभी जो विधिक जागरूक का प्रोग्राम चलाया था, कई स्कूल में भी हमने भ्रमण किया, वहाँ से बच्चों से बात किया, सारे स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा, बच्चों के चेहरे पर कॉन्फिडेंस भी, उसको भी मैंने जज किया कि कहाँ के बच्चे कैसे हैं, कैसी पढ़ाई लिखाई हो रही है, कौन टीचर कितने कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो कुछ कमी तो नज़र आया वो, और हम अगर मैं यहाँ रहता हूँ और ऐसा लग रहा है ये स्कूल खुलेगा तो मैं यहाँ भी आऊँगा। इस न्यूज के प्रस्तुतकर्ता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।